ओके उठे हैं आधा घंटा पहले, ठीक है। 10 बजे उठे थे हम, 9:45 में, और तब से हम संदीप महेश्वरी का मोटिवेशन वीडियो देख रहे थे, और अब हमको मोटिवेशन आ गया है। कम से कम आधा घंटा तक तो हम पक्का मोटिवेटेड रहेंगे। ये है मेरा कुत्ता, इसको आत्मनिर्भर बनाना है। रे चिरू, रे जल्दी उठ, देखते हैं आपको मेरे दर्शन कब होते हैं। दोनों लाइट ऑन कर देंगे भाई, हम ब्लॉगर हैं, हमको घर में विजुअल लाइट चाहिए। कहोगे मिडिल क्लास फैमिली से हैं तो क्या सिरू, सुसु लगाए हमको, आते करके तो तुमको खाना खिलाएंगे। खुद पे डिपेंड हो थोड़ा खाने के लिए। भयंकर डरावने लग रहे हैं यार हम तो सुबह उठ के। आप लोग सोच रहे होंगे काहे अपना शकल दिखा दी फालतू में, बिना शकले के अच्छा लग रहा। क्यूट, स्टिल क्यूट। आत्मनिर्भर बनो, खुद से खाना खाना सीखो, समझे? मेरे जैसा नालायक मत बनो, हमको खुद अपना खाना का ठीक रहता है। लस्सी आया है, लस्सी। मेरे घर में 24 घंटा आग लगा होता है, आग लगा रहता है, टेंशन होते रहता है। सबको इतना टेंशन रहता है ना, इतना टेंशन रहता है ना, मतलब एकदम एक्सट्रीम सिचुएशन रहता है कि तुम अगर कुछ हो गया कांड, जैसे कि बर्तन गिर गया, तो उस पर 2 घंटा का रेस कंटिन्यू हो सकता है। कैसे गिरा, कब गिरा, किस टाइम गिरा, क्यों गिरा, ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा, करियर कब बनाओगे, कौन बात से कौन बात पे उछल जाता है, सब कोई ठीक नहीं है। सुबह सुबह मूड खराब कर देता है, क्या ब्लॉगिंग करें हम। चलो शीरो खाएगा दूध रोटी। तो इसको खिला के बतियाते हैं, कहे कि नहीं खिलाएंगे ना तो अगले जन्म में हम चिरू बनेंगे, और ये हमको नहीं खिलाएगा, बोलेगा ब्लॉगिंग कर रहे थे, सॉरी गाइज। आते हैं तो गाइज सौरभ जोशी के स्टाइल में आपको बताएंगे। तो गाइज ये रहा शीरो का खाना, शीरो खा रहा है रोटी, दूध, चीनी, थोड़ा सा चीनी है, कैमरा में ज्यादा चमका है, आईफोन है ना मेरे पास, क्वांटिटी ज्यादा दिखा देता है ना शीरू। हिंदुस्तानी भाव वाला टीका मीठा नहीं तुम्हारा अभी तक, चुकलू है रे चुकलू, चल आ जा खा ले, खा ले, बहुत गोरा है तो बहुत घमंड है तुमको गोरा होने का, है तुमको गोरा होने का घमंड, चकलो। आप लोग से एक दरख्वास्त है गाइज, आप लोग प्लीज हमको कमेंट में मत लिखिएगा कि हम अच्छे नहीं लग रहे हैं या मेरे हेयर स्टाइल अजीब लग रहा है, हमको पता है हम बहुत इम्परफेक्ट लग रहे हैं। आप लोग वही लोग हैं जो इंस्टाग्राम पे स्टेटस लगाते हैं, यू शुड नो योर ब्यूटीफुल जस्ट द वे यू आर, तो हम ब्यूटीफुल है ना जस्ट द वे आई एम, तो ऐसा मत लिखिएगा कमेंट में, नहीं तो आप लोग हिपोक्रिट कहलाएंगे, हिपोक्रिट ही होता है ना। ये देखिए अपना मुंडी छुपा लिया है मेरे बम के पीछे, मुझे नहीं खाना दूध रोटी, मुझे नहीं खाना, मुझे चिकन चिकन खाना खाना है, मुझे चिकन खाना है, चिकन चिकन खाना, चिकन नहीं खाता है, ब्राह्मण कुत्ता है, हम लोग ब्राह्मण, हमारा कुत्ता ब्राह्मण, इसको हम लोग अभी नॉन पेडिग्री खाता है तो उसको हम लोग चिकन नहीं मानते हैं, क्योंकि ऐसे करके नहीं खाता है। सिरा मुंडी निकालो, चलो खा लो, बहुत प्यारे हो तुम, पता है बहुत सुंदर हो इसलिए माफ कर देते हैं। कहते हैं ना कि मासूम होना जरूरी नहीं होता, मासूम दिखना जरूरी होता है, तो मेरा सिरो बहुत मासूम दिखता है, इसलिए इसको बहुत गलती पे माफ कर देते हैं। मेरा मुंह देखिए, हम मासूम हैं लेकिन हम मासूम दिखते नहीं है, यही गलती है। सिरो खा लो, चलो सिरो खा लो, लो खा लो, बहुत अच्छा। ये है सिरू कर, खा लो सिरू, सिरू कर खा लो। कहना है, कहना है। ये है बगल वाली डॉगी कार, बगल में एक डॉगी रहती है, उसको सिरो जब देखता है उत्तेजित हो जाता है, भौंकने लगता है जोर जोर से, तो उसका भी एक कार है जो सिरो चाट चाट के खाया है अभी। ये है रजुआ कार, ये लो। ये है पप्पा कार। सिरो सिरो रोटी नहीं छोड़ना चाहिए, सिरो कढ़ाई में तले जाओगे, सिरो खा लो, सिरो नहीं, सिरो रोटी मत छोड़ो, सिरो बहुत बहुत कुत्ता को नसीब नहीं है, सिरो रोड पे तड़पता रह जाता है, सिरू भूखे तुमको मिल रहा है तो खा लो, सिरू सिरू सुनो ना, गरुड़ पूरा नहीं पड़े हो, खाना नहीं छोड़ना चाहिए, खाओ खाओ खाओ। अरे इसको डरे नहीं लगता है, अरे बेटा छमक दिए जाओगे, डर है कि नहीं तुमको? नहीं। आ खाओ, तुमको पता है बचपन में मम्मी हमको ऐसे खिलाती थी, बहुत मिस करते है, खा लो। अच्छा ठीक है, समझ गया तुम्हारा पेट भर गया है। सीरो भी लाइक सीधी बात, नो बकवास, भूख खत्म है तो नहीं खाएंगे, मतलब नहीं खाएंगे हम लोग भी, मैं भी ना इंडियन मॉम्स वाला वो आ गया है अंदर से, कि जब तक मेरा मन नहीं भरेगा तब तक हम खिलाते जाएंगे खिलाते जाएंगे। मेरी मम्मी तो यही करती थी मेरे साथ, खिलाते जाएगी खिलाते जाएगी, इसलिए हमको आज
इसलिए मेरा आजकल ये हालत हो है ना, बड़े हो गए तो हमको अंदाजे नहीं मिलता है कि मेरा पेट भर रहा है कि नहीं भर रहा है। जितना प्लेट में है सब हम खा जाते हैं, दाल भात चोखा सान के। तो मेरे में भी वो माँ वाला गुण आ रहा है, हम उसको खिलाया जा रहा है, खिलाया जो कि हमको नहीं करना चाहिए। लेकिन जानवर ही खुद नहीं खाएगा, खुद ही मना कर देता है कि भाई तुम चिल्लाते रहो, मुंह में डाल दो मेरे खाना, हम उगल देंगे नहीं खाएंगे। ठीक है, डेढ़ रोटी खा लिया है। वेरी गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माई ब्लॉग। इंट्रोडक्शन अपना हम दे रहे हैं, मेरा नाम है रजुआ, ठीक है। बाकी मेरा ब्लॉग आपको पसंद आएगा तो अच्छी बात है, और हम ऐसे ही, हमको पता नहीं चल रहा अभी हम जीवन में क्या कर रहे हैं, बाकी हम ब्लॉगिंग कर रहे हैं क्या कि हमको अच्छा लगता है ब्लॉगिंग करना। यही तो एक जगह है जहाँ पे हम जितना बोले उतना बोल सकते हैं, सब सुनता भी है मेरा बात, है ना गाइज। वेलकम बैक टू रजुआ ब्लॉग गाइज, मेरा नाम है सीरो। और मेरी आंखों में आंसू क्यों है? सीरो क्यों रो रहे हो यार तुम? पता कभी कभी अचानक से रोने लगता है। मेरी दीदी पूना चली गई है ना, यहीं पर रहती थी, तो इसको दीदी का याद आता है कभी कभी शादी, इसलिए रोने लगता है। या कभी कभी हम लोग डांट देते हैं, बहुत इमोशनल है मेरी तरह, हम भी बात बात पर रोने लगते हैं। हम दिन भर में जितना बार रोते हैं ना, अगर हम रोने डाल दिए ना, रियलिटी डाल दिए ना, तो आप लोग पक्का बोलिएगा कि सारे नौटंकी, देखो ना इसका नौटंकी। लेकिन नौटंकी नहीं करते हमको, सच में हम बहुत मेंटली वीक आदमी है, थोड़ा बहुत स्ट्रांग है यार, रोने वाला वीक थोड़े होता है, रो देते हैं तुरंत। जहाँ भूतनाथ मूवी देखे, दिन में सोया रात आई तो अब जागा सोया कब था, बरसों पहले जो थी एक नदी प्यार की। नदी मेरा आंखी से बहने लगता है, प्यार तो है नहीं जीवन में, नदी बहने लगता है। प्यार है भाई, देखो ये देखो क्या प्यार चल रहा है। हमको ना पायल पहनना बहुत पसंद है, तो हम अपने लिए एंकलेट खरीदे थे, हम नहीं खरीदे थे, मेरा एक दोस्त था साथ में। हमको पायल पहनने का बहुत शौक है, मेरा पैर छन छन आता रहे, मजा आता है। शायद सीरो को भी छन छन पसंद है, सिरो मेरा पैर चाटते रहता है, जहाँ पे घुंघरू है ना वहीं पे चाटते रहता है। तो इसीलिए कहते हैं मेडिक्योर पेडिक्योर का जरूरत है नहीं है, सब शुरू कर देता है, सबसे देर चाट के साफ कर देता है, हो गया मेरा स्नान। अरे मजाक कर रहे हैं, चल तो ना पानी पी ले बच्चा। हाँ खाया है डेढ़ को रोटी, आधा छोड़ दिया है, पानी पीना है। बदमाशी कर रहा था? नहीं पापा, बदमाशी नहीं किया है, ना ना। बदमाशी कर रहा था तुम? ना ना ना। बड़का कटोरा सिरुआज उठा दिया है, तो बड़का कटोरा भी उसका हो गया है, एगो बड़का कटोरा एगो छोटका कटोरा। पता है सिरो को ना ठंडा पानी चाहिए रहता है, ये पता नहीं इसको क्या आदत है, ठंडा ठंडा शायद अच्छा लगता होगा भाई, शरीर में इतना बड़ा बड़ा बाल है ना। देखो तो आज पानी है कि नहीं। हाँ सिरो तुम्हारा किस्मत तो अच्छा होती, फ्रिज में पानी होती। घी करते करते हमको जो मौत आता है, मतलब बलवा मेरा पूरा उलझा उलझ जाता है, करली बाल है, मेरे पापा का करली बाल है तो मेरा भी करली बाल। पापा सुन तो नहीं रहे, सामने ही बैठा हुआ। बाल सुलझाते सुलझाते लगता है कि पार हो जाएंगे, हर चीज में इतना स्ट्रगल क्यों लगता है हमको यार? हमको बालों सुलझाने में स्ट्रगल ही लगता है, मतलब लगता है ना कि पूरा कंधा जाम हो गया दर्द से। पापा सुनते होंगे कि हम इस रूम में बैठ के पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं। हमको तो ऐसा हो जाता है, हमको तो ऐसा हो जाता है, ऐसे ऐसे बोलते रहते हैं। पापा मेरे क्या सोचते होंगे यार कि क्या करेगी मेरी बेटी सब, ये तो सोचते ही हैं, बोल भी देते हैं, लेकिन पता नहीं हम उनको होप फील करवा पाते हैं कि नहीं कि हम कुछ कर लें। उनके भरोसे छोड़े हैं वही नैया पार लगाएंगे, हम तो बस कर्म कर रहे हैं। कृष्ण कहते हैं कि कर्म करो फल की चेष्टा ना करो। हम सलमान खान टाइप नहीं लग रहे हैं? मेरी दोस्त है ना सनाया, वो हमको बोलती है कि हम बाल खोलते हैं ना तो हम सलमान खान, सलमान खान वाला वो वाला लुक नहीं है। नहीं लगदा दिल तेरे बिना एकदम वही लग रहा है भाई, नहीं लगदा दिल तेरे बिना। भाई आई फ्लू वाला चश्मा था ये, ऐसे तो 20 दिन से पड़ा हुआ है, सारा वायरस मर मारा गया हो।